हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छी खासी लर्निंग चल रही होगी सभी लोग अच्छा सीख रहे होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स आई होप सभी लोग कर पा रहे होंगे ठीक है तो आज इस वीडियो में बेसिकली आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस की फ्यूचर्स हैजिंग कैसे करना है विद द लाइव एग्जाम्पल्स तो मैंने कुछ लाइव पोजिशन आप लोगों के लिए बनाई हैं तो पहला सेटअप है एशियन पेंट्स में और दूसरा सेटअप है एम्फेसिस uh, में ठीक है mm -hmm. थीक। तो एम्फेसिस और लेट मी ओपन द एम्फेसिस चार्ट वेट अ मिनट जस्ट गिव मी मिनट ओके आई एम एन टू फाइंड द एम्फेसिस आई विल सर्च फॉर इट सो दिस इज एम्फेसिस अबेसिकली आई टी सेक्टर स्टॉक तो आई हैव बॉट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड एशियन पेंट्स फॉर द फ्यूचर्स हैजिंग ओके एंड दीज आर माई पोजिशंस विच आई हैव टुक एज ऑफ नाउ एंड लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे मैं फ्यूचर्स हैजिंग करता हूँ और कैसे फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड के कैपिटल से भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बहुत कम रिस्क के साथ भी आप अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर कर सकते हो सो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियोज़ एंड दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड एशियन पेंट सेप्टेम्बर फ्यूचर्स पुट के साथ हैज किया है बिकॉज लॉन्ग पोजिशन है एंड एम्फेसिस फ्यूचर्स पुट के साथ हैच किया है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन लॉन्ग बिल्डअप पोजिशन नाउ बट द थिंग इज टुडेज ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टुडेज़ फ्राइडे राइट और छब्बीस तारीख को क्या होगा एक्सपायरी है तो हार्डली आई हैव लाइक फाइव डेज लेफ्ट विथ मी वाई आई एम सेंग फाइव डेज बिकॉज ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू को रहेगा सैटरडे संडे तो चार दिन ही बाकी हैं राइट हार्डली फोर डेज आई हैव लेफ्ट फॉर मी चार दिन में मुझे ये क्या करना पड़ेगा इस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा अगर मैं नहीं करूंगा एग्ज़िट तो पर्टिकुलर ब्रोकर जो आई एम यूजिंग दैट इज़ धन तो ये खुद ब खुद एग्जिट कर देगा तो इन फोर डेज में देखते हैं क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पर हम कर सकते हैं ठीक है सो आई हैव स्टार्टेड विथ ओनली यू कैन सी आई हैव स्टार्टेड विथ ओनली वन लैख रुपीज़ कैपिटल एक लाख रुपए के कैपिटल से भी आप फ्यूचर्स हैजिंग कर सकते हो नाउ ऑप्शंस में मैंने वाई एम सेइंग ऑप्शंस लाइक धन ऑप्शंस का ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ प्रटी गुड बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है दैट इज़ स्ट्रेटजी बिल्डर अब ये जो स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन है यहाँ से आप हर एक चीज कर सकते हो आपको यहाँ से मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है आपका कितना लॉस हो सकता है ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करा दी जाती हैं आपको खुद पहले से पता रहेगा कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो सकता है ठीक है तो आई एम कवरिंग अप दिस कि कैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पहला ट्रेड है दैट इज़ एशियन पेंट्स ओके तो मैं एशियन पेंट्स यहाँ पे सर्च करूँगा और ये uh, मुझे खुद कॉल पुट बना के दे रहा है हैजिंग टाइप से बट इसको मैं डिलीट करूँगा बिकॉज ना आई एम नॉट अ ऑप्शन ट्रेडर मुझे फ्यूचर्स में हैजिंग करनी है राइट right? तो सबसे पहले एक ऑप्शन चेन आपके सामने इस टाइप से ओपन हो जाएगी नाउ द करेंट मार्केट प्राइस द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एशियन पेंट्स थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज़ तीन हजार तीन सौ छः के आसपास ये ट्रैवल कर रहा है तो तीन हज़ार तीन सौ छः के सबसे नियर बाय यहाँ पे पुट अगर मैं देखूँ तो एक ट्रैवल कर रहा है ट्वेंटी थ्री पे और दूसरा है थर्टी फोर रुपीज़ पर तो ऑफ़कोर्स मैं सस्ते से सस्ता प्रीमियम लूँगा दैट इज़ ट्वेंटी थ्री रुपीज़ का और जो सबसे नियर बाय है तो ये मेरा पुट ऐड हो गया यहाँ पे वाई पुट बिकॉज मैं फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहा हूँ लॉन्ग पोजिशन इन द सेंस कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एशियन पेंट्स को मैं बाय कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा यहां से अगर ये ऊपर ट्रैवल करेगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो इसके साथ मुझे हैजिंग करनी है सबसे पहले हैजिंग का मतलब क्या होता है ना तो मिनिमाइज योर रिस्क काइंड ऑफ अ थिंग कि भाई आपका एक ट्रेड आप जो कर रहे हो या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके साथ में आप कोई एक ऐसा और पार्ट लेके चल रहे हो जो आपकी रिस्क जो जहाँ पे बन रही है वहाँ पर वो कम से कम हो सके राइट सो दैट इज़ कॉल्ड अ हैजिंग काइंड ऑफ अ थिंग ओके तो यहाँ पर बाइंग साइड का मेरा ट्रेड है इसलिए मैंने पुट को पहले बाय किया है वाई आई हैव बॉट द पुट फर्स्ट ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल सके अगर मैं फ्यूचर्स पहले बाय कर लूँगा और बाद में पुट करूंगा तो शायद वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा अब यहां से मैं ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा तो ये फ्यूचर्स ओपन हो गया है एज ऑफ नाउ आई द सेप्टेंबर फ्यूचर्स तो मैंने इसको भी यहां पे बाय कर लिया क्या कर लिया मैंने इसको बाय कर लिया राइट right? नाउ अगर आप नॉर्मली नेकेड पोजीशन अगर आप बनाते हो और फ्यूचर्स बाय करते हो तो आपको लगभग एक लाख से डेढ़ लाख के बीच में जो है कैपिटल रखना पड़ेगा और मार्जिन के लिए आपको बीस तीस एक्स्ट्रा जो है बीस तीस हजार आपको एक्स्ट्रा फंड्स में रखना पड़ेगा लेकिन एशियन पेंट्स का जब आप हैजिंग करते हो आप पुट भी लेते हो लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पर प्लेस करने के लिए मैंने टेक कर लिया ठीक है थर्टी थाउजेंड का मेरा मार्जिन है मैं सिर्फ थर्टी थाउजेंड रुपीज़ में स्विंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकता हूँ वो भी धन के इस प्लेटफॉर्म पे जो कि मुझे पहले से लॉस प्रॉफिट सब कुछ बता के दे रहा है इफ़ यू आर नॉट ऑन धन येट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे मैं लिंक दे दूँगा वहाँ से आप जाके साइन अप कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर मेरा जो टारगेट है एशियन पेंट्स पे दैट इज़ फ़ोर कितना टारगेट है फोर मैं मीज़र करके भी आपको दिखा देता हूँ ठीक है एफ आई मार्क सो दिस इज़ अराउंड फोर पॉइंट एट जीरो परसेंट ठीक है ये क्या है मेरा टारगेट है और स्टॉप लॉस कितना है मेरा यहाँ से इट इज़ वन पॉइंट फोर फाइव ओनली नाउ द एक्सपायरी इज़ वेरी नियर दैट इज़ वाई मैंने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस ले रखा है डेढ़ परसेंट का मेरा लॉस हो सकता है और मेरा जो प्रॉफिट हो सकता है दैट कुड बी अराउंड फोर पॉइंट एट परसेंट ठीक है तो यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ कि अगर बिल्कुल एक्सपायरी का दिन आ गया है और अगर स्टॉक कहीं भी मूव नहीं करता है स्टॉक कहीं ट्रेवल ही नहीं करेगा जहां है वहीं क्लोज़ हो जाएगा फॉर एग्जांपल ये एशियन पेंट्स साइडवेज में चलेगा इस तरीके से साइडवेज में यहीं क्लोज हो जाएगा 26 सितंबर को जो कि कोर्स थर्सडे का डे रहेगा एक्सपायरी का तो मुझे कितना लॉस होगा मैक्सिमम फोर का देट्स इट ठीक है लेकिन अगर ये मेरे लॉस की तरफ जाता है जो कि वन के आसपास है कितना मेरा लॉस है यहाँ पे देखो मैं फिर से मीजर करके बताता हूँ दैट इज़ वन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास तो अगर आप ये देखो 1.6 परसेंट मैंने थोड़ा सा बफर ले लिया है अगर ये नीचे कर जाता है वहाँ से एसएल देता है और अगर डेट भी आ जाती है एक्सपायरी की तो भी मेरा कितना लॉस हो सकता है दैट इज़ ओनली 6,500 सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर्स हैजिंग कि मेरा डेढ़ परसेंट का बहुत छोटा स्टॉप लॉस मैंने लिया हुआ है बिकॉज द एक्सपायरी इज़ वेरी नियर नाउ एक्सपायरी इतने पास है उसके बाद भी मैंने ये जस्ट टू टीच यू गाइज कि मुझे आप लोग को बताना था हाउ टू डू फ्यूचर्स हैजिंग इसलिए मैंने इसको जो है प्लान किया है ठीक है तो 1.60 परसेंट अगर स्टॉक फॉल करता है फ्रॉम द पर्टिकुलर लेवल्स तो मेरा जो लॉस यहाँ पे हो सकता है दैट इज़ अराउंड 6,500 कितना मेरा लॉस हो सकता है यहाँ पे 6,500 थाउजेंड का मेरा लॉस हो सकता है मैक्सिमम ओके नाव मेरा टारगेट कितना है फोर का अगर स्टॉक फोर तक जाता है ठीक है 4.5 ले लेता हूं मैं तो मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है यहां पे 23,000 का अभी वीडियो में बहुत कुछ बताना बाकी है तो बने रहिएगा मेरा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का प्रॉफ़िट हो सकता है अगर ये साढ़े चार परसेंट ऊपर जाता है मेरे बाइंग प्राइस से तो ठीक है लेकिन एक और आपको एक मैजिक दिखाता हूँ कि अगर ये फोर पॉइंट फोर जीरो परसेंट नेगेटिव भी जाता है ठीक है फोर पॉइंट फोर जीरो परसेंट अगर ये नेगेटिव जाता है ये देखो फोर पॉइंट फोर ज़ीरो तो भी मेरा कितना लॉस हो सकता है यहाँ पर ओनली सिक्स थाउजेंड का सेम अगर मेरा 4.40 परसेंट का टारगेट जा रहा था तो मुझे 20,000 से ज़्यादा का प्रॉफ़िट हो रहा था लेकिन अगर ये वापस 4.40 स्टॉप लॉस हिट करता है और डे एक्सपायरी वाला आ गया है तो भी मेरा 6,000 का ही रिस्क है मतलब जो मैंने एशियन पेंट्स का यहाँ पे ये ट्रेड लिया हुआ है जो आपको पोजिशन पर दिख रहा है इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है ओनली सिक्स का दैट्स एट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट मेरा कितना हो सकता है इन बिटवीन सिक्स थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड मेरा प्रॉफिट हो सकता है ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड तक तब होगा जब मेरा टारगेट हिट होगा ओके सेम इन द एम्फेसिस आपको क्या करना है स्ट्रेटी बिल्डर के ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे आप सर्च करोगे एम्फेसिस को ठीक है और यहाँ से इनको डिलीट करके आप एड न्यू करोगे बिल्कुल नियर बाय का आपको पुट बाय करना है जैसे थर्टी का पुट बाय कर लिया और यहाँ से फ्यूचर्स में जो एक्सपायरी आपको पसंद है उसको आप बाय कर लो अब देखो मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है ओनली फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ राइट सो दिस इज़ द फीचर जो धन यहाँ पे दे रहा है ये सेंसेबल पे भी अवेलेबल है बट मैं धन को ज़्यादा कंफर्टेबल अब कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना पोर्टफोलियो छः महीने से लेके कर एक साल तक लॉक कर दिया है जरोदा का पोर्टफोलियो टू गेन गुड रिटर्न्स गुड आर जनरेट करने के लिए बेसिकली उस पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं सो टिल दैट आई एम यूजिंग धन और शायद इसी पे मैं फ्यूचर्स हैजिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते रहूंगा राइट सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कवर विथ यू गाइज की कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है वॉट रिक्वायर्ड इज़ कि आपको स्किल्स आपको नॉलेज हो तो आप चालीस हजार के कैपिटल से फोर्टी थाउजेंड के कैपिटल से भी स्विंग फ्यूचर्स कर सकते हो यू जस्ट नीड गुड नॉलेज uh, और आप, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ठीक है ओके सो दैट्स ऑल एंड हमारी जो लाइव क्लास चल रही है दे आर ऑलरेडी रनिंग तो ट्वेंटियथ ऑफ सेप्टेम्बर से जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं रात को नौ बजे से क्लास हम कंडक्ट करते हैं और उसमें मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग और डिटेल में सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि क्या होता है कॉल पोर्ट स्ट्राइक प्राइज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक टू द वेरी एडवांस स्विंग ट्रेडिंग कैश में भी और फ्यूचर्स में भी ओके इफ यू वॉन्ट टू लर्न दैट यू कैन कॉल जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स हैं आप उन पर डायरेक्ट कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है बट वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइजेज हाउ टू मेक स्विंग फ्यूचर्स पोजिशन विद वेरी स्मॉल कैपिटल सो दैट्स ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज